क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हमने हमारे पर्सनल हेलीकॉप्टर से जंप कर दिया। देखो हमारे जंपिंग का मतलब कि स्टेडियम में एंटर करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। सब लोग गेट से एंटर करते हैं, हम थोड़ा आसमान से एंटर करते हैं, ठीक है। हम बंदे ही यूनिक है, ठीक है। और यहाँ पर उतरती हमें दिख रही है पूरा का पूरा ग्राउंड। भाई ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, बीचों बीच नहीं मतलब थोड़ा साइड एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पे सिक्सर एरिया है, सिक्सर नहीं चौकर एरिया है, चौका और सिक्सर एरिया एक ही होता है। अभी हम धीरे धीरे करके पूरे स्टेडियम को एक्सप्लोर करते हैं, पूरे स्टेडियम का टूर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टेडियम में कौन सी जगह पर क्या रखा हुआ होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेडियम की बाहर निकलने की जगह देखते हैं, मतलब ठीक है यहाँ पर तो हमने आसमान से एंट्री किया, बट जो मेन गेट है ना स्टेडियम में एंट्री करने का वो गेट देखते हैं। ये सब मेरे ख्याल से शायद चेंजिंग रूम एंड वो सब रूम होते हैं ना, लाइक प्लेयर्स वगैरह के वो सब रूम होंगे, ड्रेसिंग रूम वगैरह। और ये है बाहर का आउटर साइड वानखेड़े स्टेडियम का, और इसका मेन गेट कहाँ पर है ये रहा, ये सामने की साइड इसका मेन गेट। हम मेन गेट से एंट्री करते हुए आपको पूरा टूर देते हैं। ये अभी डी सेक्शन वाला गेट है, ठीक है, मतलब इसके चार गेट है टोटल मिला के। तो ये डी वाले गेट पे हम आए हैं, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्रिकेट स्टेडियम। भाई वानखेड़े स्टेडियम का पूरा टूर मजा आएगा भाई, वो भी हमारा इंडियन गेम, वो भी हमारा इंडियन बैटल रॉयल है ये तो। ओके हम यहाँ से भी मेन एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर शायद रिसेप्शन वगैरह का एरिया होगा, बट यहाँ पे अभी कोई है नहीं, शायद से पूरा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ठीक है, मतलब की बैटल रॉयल में तो वर्ल्ड वॉर तो होगा ही स्टेडियम में। और यहाँ पे ऊपर की साइड पे हमको क्या दिखने को मिलता है, ये सब शायद बैठने का जगह है, ठीक है। चेयर्स यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पर सीढ़ियों टाइप का बैठने का जगह बनाया हुआ है। क्या वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा है क्या, मैं अभी तक गया नहीं हूँ कभी, रियलिटी में मैंने कभी देखा नहीं है। और यहाँ पे सामने का क्या ही लुक आ रहा है, पूरा स्टेडियम वाली फील आ रही है, ये वीआईपी सेंटर है। ओके गाइस यहाँ पे पता है लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स भी गए थे, इसका व्लॉग वगैरह भी बनाए थे। ये वीआईपी लोगों के लिए अलग से होती है, ठीक है, इसकी टिकट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे लाइक क्रिकेटर्स के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर खुद क्रिकेटर्स भी होते हैं या कोई सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं ना, वो इस जगह पर आकर बैठते हैं मेरे ख्याल से। और नीचे की साइड क्या है, नीचे की साइड भी शायद से कुछ रूम्स वगैरह बने पड़े हैं। आई डोंट नो ये सब रूम्स में क्या होता होगा क्या नहीं, वो तो मुझे इतना पता नहीं है अभी, बट नीचे नीचे से जगह जगह पर बाहर निकलने की जगह बनाई गई है, ठीक है, मतलब की। और भाई ये बैठने की जगह कुछ थोड़ा सा मतलब की लग रहा है थोड़ा उस टाइप का लग रहा है, ठीक है, सीट्स वगैरह यहाँ पर होनी चाहिए। और ये रहा देखो गाइस, यहाँ से हम खड़े होकर मैच देख सकते हैं। भाई क्या ही लुक आ रहा है पूरे स्टेडियम का यार, भाई लिटरली मैं आईपीएल देखने में तो मजा आ जाता होगा इस स्टेडियम से। ओके हम जाते हैं अब ग्राउंड पे, जाता है क्या ग्राउंड पे जाके देखते हैं क्या सीन। और गाइस यहाँ पे लाइक बहुत सारे लाइक प्लेयर्स बैठते हैं, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई होती है और बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, बट अभी यहाँ पे लाइक मैच वगैरह चल नहीं रहा है, ठीक है, आईपीएल फिलहाल बंद पड़ा हुआ है स्टेडियम में, इसके लिए शायद इधर कोई है नहीं अभी अभी के टाइम पर। और देखा जाए तो स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब कि लाइक जगह जगह पर पिलर लगाए हुए हैं जिससे सपोर्ट मिले स्टेडियम में से गिर ना जाए, ठीक है, मतलब कि लाइक ऊपर भी एक ड्रो है बैठने का। और यहाँ पे स्टेडियम के बीच में घास को प्लेन करने वाली मशीन है ना वो भी रखी हुई है, ये देख सकते हो, मतलब कि यार भाई पिच तो बहुत ही नया नया लग रहा है, ठीक है, मतलब लगता है नया नया डेवलप हुआ, मतलब पिच पे गोली भी चल रही है भाई जबरदस्त। भाई पिच को बिगाड़ो भाई भाई फिर वो लोग अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। भाई ये पिच वाली मशीन जिससे कि पिच को ना सब फ्लैट करते हैं, ठीक है, दो दो मशीन यहाँ पर पड़ी हुई है। और यहाँ पर सामने एक हेलीकॉप्टर भी है, ऑन द स्पॉट हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करो आप इसके अंदर स्टेडियम के अंदर। अभी हम ऊपर वाले ड्रो में जाए कि ऊपर वाले में क्या रखा हुआ होगा, शायद ऊपर वाले का पता नहीं, यस ऊपर वाले में शायद सीट्स वगैरह होंगे शायद से। ओ भाई ऊपर से तो और यार और भी ज्यादा अलग लेवल का लुक आ रहा है भाई, भाई इधर से देखने में तो और मजा आएगा भाई लिटरली यार, इधर से तो और बढ़िया दिख रहा है स्टेडियम। बस खाली इधर से एक मैच चल रही है आईपीएल वाले, भाई पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके एकदम आराम से बैठ जाओ भाई, क्या ही मजा आएगा भाई यार। यहाँ पे देखो थोड़ी ऐसे लाइन है ना बाउंड्री, वो थोड़ी बड़ी बड़ी बना के रखी है जिससे कि कोई बंदा यहाँ से गिर ना जाए, तो भी हम तो कूद के गिर सकते हैं आराम से यार, क्या है यार वापस ऊपर जाना पड़ेगा। मैं तो बस ऐसे चेक कर रहा था, ये तो कूद गया बंदा, इसमें वो फिट हो गया, मैं गिरा हुआ बंदा नीचे बलिए। और वापस यहाँ पे ऊपर साइड जाते हैं। ओके गाइस हम इसके ऊपर और जा सकते हैं क्या, यस एक रास्ता है हम इस छत के ऊपर जा सकते हैं, मतलब कि छपड़े के ऊपर। आपने इस छपड़े से कभी आईपीएल का व्यू नहीं देखा होगा, ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं हेलीकॉप्टर लेके हम छपड़े के ऊपर जाते हैं, ठीक है, छपड़ा है ना इसका, छपड़े के ऊपर लाइक बॉल वगैरह भी जाती होगी बहुत सारी, जैसे कोई सिक्सर विक्सर मारता होगा, तो हम भी जाके देखते हैं अभी। और यहाँ पे ग्राउंड लाइक बहुत ही मस्त है, और चारों बगल है ना मतलब चारों साइड यहाँ पर कारफोल 2.0 की ब्रांडिंग करके रखी हुई है, ठीक है, ऑफकोर्स ये बात है अब यही है मतलब कि यही है बैटल रॉयल, तो इसका ही ब्रांडिंग होगा ना, इस बैटल रॉयल गेम में ये सब कुछ है मतलब कि। और यहाँ पे अभी हम जाना है छपड़े के ऊपर, ये चक्सन डी है, और यहीं से कहीं रास्ता मैंने देखा था एक जिपलाइन जैसा यहाँ पर कुछ था चढ़ने के लिए, मैंने देखा तो था, ये सियोरा देखो सामने दिख रहा है आपको येल्लो कलर का, यही है कि इसके आगे था शायद, नहीं ये नहीं है अभी, यही है मेरे ख्याल से, नहीं ये था कि नहीं था पता नहीं, अभी यही है यही है यही है, इसे चढ़ सकते हैं अपन ऊपर। अभी हम ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर जिपलाइन को हमने यूज किया। ओ भाई क्या ही चढ़ रही है, एकदम से चढ़ गया ऊपर, ओ भाई पूरे हम टॉप पर आ चुके हैं भाई ऑन द स्पॉट, भाई क्या ही लुक आ रही है भाई। यहाँ पे तो
सेफ्टी के लिए हम गिर सकते क्या इस कोने से? नहीं, गिर तो नहीं रहे, अच्छी बात है ये, तो गिर सकते बट थोड़ा साइड में गया तो मैं गिर सकता हूँ यहाँ से। लिटरली यहाँ पे चारों एलईडी वलईडी सब दिख रहे हैं भाई, ऊपर से मस्त मस्त स्टेडियम के लाइट्स वगैरह है, काई लुक आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक भी बॉल पड़ी हुई नहीं है, ठीक है, मतलब सिक्सर विक्सर। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर लेके मैंने लैंडिंग किया तो शायद हेलीकॉप्टर यहीं पर रह गया। ओ भाई, अबे अरे यार वहां से नीचे गिर गया यार। ओ गाइस कोई नहीं, मतलब वो गैप से नीचे भी हम गिर सकते हैं वापस। अभी ऊपर की साइड जाते हैं, इस बार हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं अपन ऊपर की साइड पे। चलो भाई ऊपर चलो, हम तो आ चुके हैं भाई, जंप भाई। अबे यार हेलीकॉप्टर ले भाई, हेलीकॉप्टर भी ऊपर ले गया, मैं भी नीचे आ गया, इसका मतलब अब चढ़ूंगा कैसे मैं ऊपर? वापस हमें जिपलाइन लेके ऊपर जाना पड़ेगा यार। मतलब समझ रहे हो क्या ही मेरी किस्मत है, मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर जाने का ट्राई किया तो हेलीकॉप्टर ऊपर फंस गया और मैं लेकिन नीचे आके गिरा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे वापस हमें जिपलाइन मिल चुकी है, ये दूसरा वाला जिपलाइन है, पहले वाला जिपलाइन नहीं है यहाँ पर। मतलब ये बहुत सारे साइड इसके जिपलाइन से लगे पड़े हुए हैं और हमने तो ओनली फॉर अभी सी और डी गेट ही एक्सप्लोर किया। डी सी डी दो गेट और बचे हुए हैं यहाँ पे, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए। जो भी हो यहाँ से स्टेडियम का लुक बहुत जबरदस्त आ रहा है यार भाई। स्टेडियम पे धूप पड़ रही है, ऐसे आधे स्टेडियम पे ऐसे धूप पड़ रही है, आधे स्टेडियम पे धूप नहीं पड़ रही, ऐसे रिफ्लेक्शन वगैरह शैडो वगैरह वो भी बहुत ही जबरदस्त आ रहा है, मतलब की रियलिटी जैसा। मतलब की अब रियलिटी में ज्यादा तो मैं गया नहीं वांकेड़े स्टेडियम या कोई भी स्टेडियम में नहीं गया, उससे मुझे उतना कुछ पता नहीं, बट जितना मुझे देखने को लग रहा है प्रॉपर स्टेडियम वाली फील आ रही है मुझे। आपको भाई साहब कैसा फील आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और आपको भी अगर ये गेम डाउनलोड करना है तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक फॉर्म का लिंक दूंगा, वो फॉर्म फिलअप कर देना, आपको इस गेम का एक्सेस मिल जाएगा आपके जीमेल के थ्रू। तो वीडियो पसंद आई हो तो कर देना वीडियो को लाइक और चैनल पे जुड़ो कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम।